दोस्तों, क्या आप लोगों की वाईफाई की स्पीड दी है या फिर आप लोगों का वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो चलता है? तो क्या आप लोग अपने तेज़ करना चाहते हैं? तो अगर आप लोग अपने वाईफाई की स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊँगा जो आप लोग करके जो है ना अपने वाईफाई की स्पीड को डबल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप लोगों ने बेल के आइकॉन के बटन पे लाजमी क्लिक कर लेना, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बातें ज़्यादा हो रही है, चलते हैं हम आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो है ना वाईफाई के राउटर का सेटअप पेज ओपन कर लेना। सेटअप पेज को ओपन करने के लिए जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर आके जो है ना एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है वाईफाई राउटर, यहाँ पे पेज सेटअप। तो आप लोग जैसे ही वाईफाई राउटर पेज सेटअप लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये एप्लीकेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। आप लोगों ने इसको कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको कर लेना ओपन। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो ये आप लोगों का वाल्ड जो है ना वो आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेगा। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ से जो है ना क्या कर, तो आप लोग जैसे ही ओपन राउटर पेज करेंगे तो ये यहाँ पर आप लोगों के वाईफाई का राउटर पेज जो है ना क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास जो है ना मेरे वाईफाई का जो राउटर है, यहाँ पे देखें आप लोगों से साइन इन पूछेगा। तो आप लोगों ने जो है ना एडमिन एडमिन यूज़र नेम की जगह पे भी आप लोगों ने एडमिन देना है, और पासवर्ड की जगह पे आप लोगों ने एडमिन देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन इन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक टीपी लिंक का जो है ना राउटर चल रहा है, तो उसने उसका जो है ना सेटअप पेज ओपन कर दिया। तो इसी तरह आप लोग PTCL का भी कर सकते हैं, PTCL का भी। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना राउटर के सेटअप पेज में आने के बाद वायरलेस में चले जाना। वायरलेस में जाने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह की सेटिंग जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक चैनल आप लोगों के पास शो हो रहा है चैनल। तो यहाँ पे आप लोगों के पास चैनल जो है ना वो ऑटो पे होगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है ना 13 चैनल दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि वन बाय वन हर चैनल पर क्लिक कर, फर्ज करें चैनल नंबर वन, तो यहाँ पर मैं चैनल नंबर वन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने कर लेना नीचे से सेव। आप लोगों का राउटर जो है ना वो दोबारा रिस्टार्ट होगा। तो अगर आप लोगों की यहाँ पर भी स्पीड सही नहीं आती तो आप लोगों ने वन बाय वन जो है ना सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों के एरिया के हिसाब से चैनल होता है, क्योंकि किसी चैनल पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ पे स्पीड अच्छी नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे आप लोगों ने वन बाय वन जो है ना कर लेना है सबको सिलेक्ट, यानी कि अगर आपकी वन पे अच्छी नहीं आती तो टू कर लीजिएगा, टू पे नहीं आती तो थ्री कर लीजिएगा। इसी तरह आप लोगों ने वन बाय सेलेक्ट करके जो है ना इसको सेव करके चेक कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों की इससे कोई स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, क्योंकि मैं जो है ना ये वीडियो प्रूफ के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे वाईफाई की स्पीड थोड़ी सी कम आती है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाईफाई की स्पीड थोड़ी सी कम आती है, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।